पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय सुखी। जय सुखी। नबी मिका जो प्रभु के उस हृदय को पहचान लेते हैं जो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, प्रभु का वह हृदय जो अपनी प्रजा के पापों को क्षमा करने के लिए सदा तत्पर रहता है। इस प्रकार नबी उस एकमात्र ईश्वर को और उसकी महानता को हमें प्रकट करते हैं। प्रभु ईसा भी कुछ इसी तरह का संदेश आज हमें दे रहे हैं, जो मुझे अपना प्रभु भाई या मित्र मानने का दावा करता है उस व्यक्ति को किस तरह के विचारों से प्रेरित होना चाहिए। यदि उस व्यक्ति में पिता ईश्वर की इच्छा जानने, मानने और पूरी करने की इच्छा ना हो तो उस व्यक्ति का मुझसे कैसा संबंध। सुसमाचार में प्रभु हमसे बताते हैं कि जो कोई उनके वचनों के अनुसार चलता है वही उनके माता भाई बहन और रिश्तेदार हैं, उनके मित्र हैं। यदि हमें प्रभु के साथ रहना है और प्रभु के मित्र रहकर उनके उन्हें प्रेम करना है तो हमें उनके वचनों के अनुसार चलना है, और हम इसलिए ही बुलाए गए हैं कि हम उनके साथी रहें और उनके सुसमाचार का साक्ष्य दें। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए हमारे सभी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को प्रभु को सौंप दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे कमजोरियों को, हमारे दुर्बलताओं को दूर करते हुए हमें योग्य बना, हमारे पापों को क्षमा करते हुए हमें योग्य बना, ताकि हम योग्य रीति से यह बलि चढ़ा सकें। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्यवादी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे क्रिस्त दया कर। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर अपने भक्तों पर दया दृष्टि डाल और इन पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर, जिससे वे विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा जागरूक रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजित और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, नबी मीका का ग्रंथ। तू अपना डंडा लेकर अपनी प्रजा
अपनी विरासत की भेड़ें चराने की कृपा कर। वे जंगल और बंजर भूमि के भूमि में अकेली ही पड़ी हुई हैं। प्राचीन काल की तरह उन्हें बाशान तथा गिलाद में चरने दो। जिन दिनों तू हमें मिस्र से निकाल लाया, उन्हीं दिनों की तरह हमें चमत्कार दिखा। तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। तू याकूब के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञता और इब्राहिम के लिए अपनी दयालुता प्रदर्शित करेगा, जैसे कि तूने शपथ खाकर हमारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। हे प्रभु तूने अपने देश पर कृपा की और याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया है। तूने अपनी प्रजा को अपराध क्षमा किए और उसके पापों को ढक दिया है। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ जाए। अनुवाद किया, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा ही हम पर अप्रसन्न होगा? क्या तेरा क्रोध पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा? अनुवाद किया, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। नवजीवन प्रदान करने के लिए हमारे पास लौटने की कृपा कर और तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाएगी। हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य, हे प्रभु हम पर दया प्रदर्शित कर। जय घोष, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास जाकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हों और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। अध्याय 12 वाक्य 46 से 50 तक। यीशु लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने यीशु से कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत कर उन्होंने कहा, देखो यह है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
मेरा सहारा, तू ही है मेरा आसरा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, मेरी रक्षक भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है, इन पर कृपा दृष्टि दान। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोतते हैं। इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे भूतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, ये आंखियां मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इनी प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनी के साथ और इनी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तदा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भलाई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे नहीं हूं कि आप मेरे यहां आइए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही यहाँ हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूक्रिस का समारोह मनाएं, हमें मुक्ति का फल बढ़ता जाए। ये हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद।